हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भोलेनाथ भोले शंकर की कृपा आप सब पे सदैव बनी रहे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपको वीरभद्र मंदिर, जो कि ऋषिकेश में है, उसके दर्शन करने ले जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह के 8 बजे हैं और हम सावन मास का 4th सोमवार है और हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सब जगह आपको हरियाली दिखेगी सावन मास में, क्योंकि बरसात का टाइम रहता है, सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। तो देखिए, कुछ लोग जल चढ़ा के आ चुके हैं और कुछ जा रहे हैं। और ये देखिए, हरियाली हरियाली, फूल बेचने वाले सब बैठे हैं। जो भी भोलेनाथ को सामग्री चढ़ाई जाती है, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा बड़े ही सस्ते दामों में। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा व्यू है। और भीड़ काफ़ी थी दोस्तों, और मैं अब लाइन में, सड़क से ही लग गई है लाइन, मैं यहीं से लाइन में लगूंगी अभी। देखिए दोस्तों, देखिए अब मैं लाइन में लग चुकी हूँ और यहाँ पर बच्चे लोग भोलेनाथ की सारी प्रिय सामग्री जो भोले शंकर पे चढ़ती है वो सब बेच रहे हैं। और क्योंकि राखी का त्यौहार आने वाला है तो राखी अभी रखी है यहाँ पर बेचने के लिए। ये देखिए, जो बाउल दिख रहे हैं ये 10 रुपये के बाउल हैं, इसमें आपको फूल वगैरह सब मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबी लाइन है, मैं 8 बजे की लाइन में लगी हुई और 9 बजे तक मेरे भोलेनाथ के दर्शन हुए। और ये देखिए, कुछ भक्तजन वापस आ रहे हैं पूजा करके जल चढ़ा के, और हम लाइन में लगे हैं। ये अभी 15 मिनट हो गए हैं मुझे लाइन में लगे हुए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साधु बाबा लोग बैठे हैं, लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा उनको भेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए मेन गेट दिख रहा है, यहाँ पर गौ माता भी खड़ी है। ये पीछे के जो मैंने लाइन कवर अप कर दी है इतने लाइन, ये देखिए दोस्तों, गौ माता, सब गौ माता को प्रसाद मिल रहा है इसलिए गौ माता खड़ी है, किसी को मार नहीं रही है। ये देखिए दोस्तों, मेन गेट दिख रहा है, ये रहा, ये वीरभद्र मंदिर का मेन गेट है। ये देखिए, और यहाँ पर भी आपको सारी जगह सामग्री मिलेगी पूजा की। ये कमल का फूल है और ये फूल 50 रुपये का है दोस्तों। ये देखिए, दिया बाती सब कुछ मिलेगा, ये कमल का फूल 50 रुपये का है, दिया बाती, भांग, धतूरे, बेलपत्र और बेल का फल भी आपको मिलेगा। ये कुछ लोगों ने अपनी चप्पलें यहीं पर उतारी हैं। ये देखिए दोस्तों, सब लोग घर से जल लाए हैं और मैं भी लाई हूँ, घर से ही जल लाई हूँ दोस्तों। ये देखिए, गौ माता को प्रसाद मिला है तो बड़े ही चाव से खा रही है वो। अब हम गेट के समीप पहुंचने वाले हैं और देखिए दोस्तों, आज श्रावण मास में खीर बनाई जानी बड़ी ही शुभ माना जाता है, तो खीर का प्रसाद भी मिल रहा है। ये देखिए भोलेनाथ, और क्योंकि आज एकादशी भी है तो चावल की खीर नहीं है, वो खीर क्योंकि चावल की वर्जित माना जाता है एकादशी में, विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाई जाती चावल की खीर एकादशी में दोस्तों। ये देखिए भोलेनाथ, यहाँ पर जल की नल है और ये भक्तजन जल, ये हमारी लाइन अभी मंदिर जाने के लिए लगी है और ये जो वापस आ रहे हैं ये जल चढ़ा के आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ही मेन शिवालय है और जो केसरिया कलर का है वो हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे पहुँचे और ये सब लोग दर्शन करके आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हम थोड़ा आगे पहुँचे, यहाँ पर शिवलिंग है, तो दो अलग अलग फैमिली भोलेनाथ का पूजा कर रही है अलग अलग पंडित जनों से, और क्योंकि श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करनी बड़ी ही शुभ मानी जाती है तो यहाँ पर पंडित के द्वारा पूजा की जा रही है। ये देखिए, और
और मैं अभी यहीं पर लगी हूँ। ये देखिए अभी लगेगा टाइम, अभी ये 35 मिनट तक हो रहे हैं लगभग, और अभी एक घंटा पूरा है लगना। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में लोग घुस जा रहे थे लाइन में एकदम से, उसके कारण फिर लाइन और बड़ी हो जा रही थी, तो इस कारण से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये मंदिर मेन शिवालय। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भोलेनाथ के भक्त, और यहाँ पर शनिदेव का भी है, शनिदेव का यहाँ पर पूजा की जा रही है लोगों द्वारा। ये देखिए ये धूपबत्ती का धुआं चल रहा है, यहीं पर है शनिदेव का मूर्ति और उनकी पूजा की जा रही है। ये देखिए दोस्तों, और अभी और टाइम है, पूरा एक घंटा लगा दोस्तों। 8 बजे की लाइन में लगी हुई मैं, 9 बजे तक मैंने दर्शन किए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज जी हैं। ये देखिए हीरा मेन शिवालय वीरभद्र। भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि श्रावण मास का अंतिम सोमवार था। और ये देखिए भक्तों का अपने भाव भोलेनाथ को प्रकट करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बाहर में नंदी जी भी हैं, बहुत बड़े नंदी जी हैं। अभी आगे चल के दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ से साफ नज़र नहीं आ रहे, लोगों की भीड़ के पीछे हैं, साफ नज़र नहीं आ रहे दोस्तों, इसलिए आगे चल के दिखाती हूँ आपको। और देखिए भोलेनाथ के नारे लग रहे हैं। ये रहा मेन मंदिर भोलेनाथ का, वीरभद्र शिवालय है, और ठीक नंदी जी के पीछे माता रानी की मूर्ति है। माता रानी के सब धूप बत्ती फूल वगैरह से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, और हमारे नंदी जी यहाँ पर बैठे हैं अपने आराध्य को निहार रहे हैं। ये रहे हमारे नंदी जी, बहुत ही बड़े हैं, और जल चढ़ा रहे हैं लोग। ये देखिए कुछ लोग लाइन में लगे हुए जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में पता नहीं चलता क्या कैसा करना है, तो जल चढ़ा रहे हैं लोग। मैं जब शिवालय पे मैंने जब जल चढ़ा दिया, मैं उसके बाद जल चढ़ाई हूँ, और अब थोड़ी देर में मैंने अपना फ़ोन बैग में रख देना है दोस्तों, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है और जल चढ़ा के तुरंत बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इकट्ठा होंगे तो फिर मंदिर में दर्शन औरों को दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस कारण से मैंने अपना फ़ोन बैग में डाल दिया है और अपने जल का पात्र का ढक्कन खोल दिया है, ताकि वहाँ पर देर ना लगे और आगे भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए मैंने पहली तैयारी अपनी कर रही हूँ। अभी मैं कुछ देर में बंद कर दूँगी, और ये दर्शन हो चुके हैं, जल चढ़ा चुकी हूँ, और अब हम बाहर आ गए हैं। और ये भोलेनाथ है, बाहर का पीछे का सीन है। ये देखिए, अब मैं आपको पीछे लिए चलती हूँ। यहाँ पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, और जो कि एक पेड़ के नीचे है। तो दोस्तों चलो, ये यहाँ पर सब हरियाली हरियाली। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। और ये देखिए मैं आपको पीछे लिए चलती हूँ दोस्तों, और जो कि एक पेड़ के नीचे शिवलिंग है, और सीमेंटेड नहीं है, पेड़ के नीचे ही शिवलिंग बना है, और कुछ भक्तजन पंडित जी द्वारा वहाँ पर अपनी भोलेनाथ की पूजा करवा रहे हैं। ये देखिए एक छोटी सी पगडंडी है, इसी पे चल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर से बहुत ही प्यारा नज़ारा है,
बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ पर आगे, ये देखिए पेड़ के नीचे। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको स्पष्ट दिखा सकूँ, लेकिन थोड़ा सा भक्तजन पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा नहीं हो पाया। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, अभी मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें भोलेनाथ का श्रावण मास में। अब देखिए ये पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है, ये देखिए दोस्तों, देखिए ये थोड़े से दर्शन हुए। और ये रे भोलेनाथ भोले बाबा, अभी आंटी भी हैं लगी हुई, तब आंटी जाएंगे तो सारा दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जय भोलेनाथ जय भोले बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं दोस्तों। ये रे भोलेनाथ भोले शंकर। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।